अपने देश में एक बड़ी प्रथा आम सी है, वो है पैसे का लेन देन। अक्सर हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को अगर उनकी ज़रूरत पड़ जाती है या हमारी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम पैसे के लेन देन करते हैं। लेन देन कैसा करते हैं कि मतलब ठीक है मुझे ज़रूरत है आप मुझे दे दीजिए, या उनको ज़रूरत है तो मैं उन्हें दे दूँ। लेकिन यही लेन देन आगे चल के संबंधों को ख़राब भी कर देता है, क्योंकि पैसे ले लिए गए लेकिन फिर वापसी में बड़ी परेशानी होती है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें पैसे लिए जाते हैं लेकिन लोग वापस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें ये विश्वास करके दिया गया है कि हाँ ये पैसे लेने के बाद इनका काम हो जाएगा, इनकी मान लीजिए ये बीमार हैं या इन्हें कुछ कोई ख़रीदारी करनी थी, कोई कार लेनी थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, उसके लिए इन्होंने पैसे लिया और इनका पैसे होने के बाद ये मुझे वापस कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगला व्यक्ति उस पैसे को वापस देना नहीं चाहता है, उसमें सिचुएशन में ये होता है कि रिलेशन भी ख़राब होते हैं और साथ साथ स्थितियाँ ऐसी पहुँच जाती हैं कि जो कहीं ना कहीं एक आपराधिक स्थिति हो जाती है कि आपराधिक वारदात भी हो सकती है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है, आजकल तो प्रॉपर्टी के मामले में भाई भाई में बंटवारा, ऐसी स्थिति है कि हाँ भाई भाई की खून का प्यासा हो जाता है, भाई भाई में हत्याएं या मारपीट जैसे मामले देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, संपत्ति का विवाद एक ऐसा विवाद है जिसने महाभारत के इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया। भारत के ही एक बड़े औद्योगिक घराने में दो भाइयों के बीच में संपत्ति का विवाद ऐसा था कि काफ़ी दिनों तक चर्चा में बना रहा, फिर बाद में वो सुलझा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए जैसे कॉमन पर्सन हम आप हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, तो पैसे का लेन देन किस प्रकार करना चाहिए ताकि अगर भविष्य में आपको मान लीजिए ये साबित ही करना पड़े कि आपने किसी को पैसा दिया था, तो आप कैसे साबित करेंगे? अगर आपने किसी को कैश दिया हो, किसी के सामने दिया हो, और जिसके सामने दिया हो वो पर्सन भी मना कर दे कि नहीं मेरे सामने पैसा नहीं दिया गया था, या जिसको मिला है वो तो मना ही कर देगा क्या नहीं दिया गया था, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने उस व्यक्ति को पैसा दिया था? तो फ्रेंड्स, मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ और ऐसे आप ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम के लिए हैं ये। पहली बात, आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं और इस राशि में दे रहे हैं कि उससे पैसा वापस लेना ज़रूरी है, इतना मतलब इतनी अधिक राशि का पैसा दे रहे हैं कि वापस लेना ज़रूरी है, तो फिर आप पैसे कैश में मत दीजिए। पहली बात, आप पैसे चेक से दीजिए या पैसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से दीजिए। आप अपनी डायरी में या कहीं मेंशन कीजिए इस चीज़ को कि आपने इस डेट में इस काम के लिए इस पर्सन को चाहे चेक से चाहे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से पैसा इतना पैसा दिया है और जो उसने इतने समय में लौटाने के लिए कहा है। अगर किसी के सामने दिया हो तो उसका भी उल्लेख आप कर सकते हैं क्या इसके सामने दिया है, या नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने पैसा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया है या चेक से दिया तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड अवेलेबल है कि आपने इतना पैसा दिया है। पर्पज़ आप लिख दीजिए कि हाँ किस पर्पज़ से ने दिया है। और अगर मान लीजिए छोटी धनराशि आप दे रहे हैं तो अगर लगता है कि हाँ वापस देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, तो कोई बात नहीं वो चल जाएगा। लेकिन कोई भी बड़ी धनराशि देने से पहले आप पर्पज़ ज़रूर लिखिए कि हाँ इस पर्पज़ के लिए मैंने इनको ये पैसा दिया है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो पैसा कल वापस नहीं कर सकता है तो आप उसके ऊपर लायबिलिटी कैसे बताएंगे कि हाँ वो लायबल है, आपको देनदार है, कैसे आप साबित करेंगे? तो साबित करने का यही तरीका होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र या चेक से ही पैसे दीजिए और उद्देश्य ज़रूर लिखिए डायरी में। और अगर मान लीजिए वो पर्सन पैसा देने से इनकार करता है या मुकर जाता है तो उस सिचुएशन में कम से कम आप उसके ऊपर सिविल और दांडिक दोनों विधियों में बात ला सकते हैं, यानी आपराधिक जो है सेक्शन 406 IPC के अंतर्गत FIR दर्ज करा सकते हैं, 420 के अंतर्गत FIR दर्ज करा सकते हैं, साथ साथ सिविल दायित्व में भी उसके ऊपर आप वाद ला सकते हैं कि आप इतना पैसा मेरा लिया था, इतने टाइम पे देने के लिए कहा था, इसने वापस नहीं दिया, तो वो पैसा धन ब्याज के साथ भी उसको नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, ज़रूरी है कि पैसे के लेन देन के लिए थोड़ा सा कहेंगे सावधानी बरतिए, क्योंकि पैसा संबंध बनाने के लिए आपने दिया था लेकिन हो सकता है पैसा ही आपके संबंध को बिखराव की तरफ ले जाए और संबंध में मधुरता के बजाय संबंध कटता आ जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी सावधानी के साथ ही पैसा दीजिए और उतना ही पैसा किसी को दीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें कि हाँ मान लीजिए अगर आपको वापस नहीं मिलता है तो भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कि परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि जो भी मेरी तरफ से आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है वो ऑथेंटिकेट प्रोवाइड कराई जाती है और आपके डेली उपयोग में काफ़ी हद तक काम आ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।